नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बुधवार को कोरोना के एक दिन में 8,439 केस सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 23.7% ज्यादा है। वहीं इस दौरान 195 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या आज भी 1,00,000 से नीचे बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोविड-19 के 8,439 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,46,56,822 हो गई है। वहीं 195 और मरीजों की जान जाने के बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,73,952 हो गई है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में बुधवार को सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत अपने स्टाफ और परिवार के सदस्यों के साथ सवार थे। उनके साथ सेना के कुछ उच्च अधिकारी भी सवार थे। ये सभी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद 3 लोगों को बचाया जा चुका है। इसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं 11 लोगों के जान गंवाने की जानकारी सामने आई है। देश के लिए एक्सपोर्ट के मोर्चे पर बड़ी खबर आई है। भारत ने अरब देश को फूड एक्सपोर्ट करने के मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है और ऐसा बीते 15 सालों में पहली बार हुआ है। अरब ब्राजील चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यह जानकारी दी है। 15 सालों में पहली बार ऐसा होने की वजह यह है कि कोविड-19 महामारी की वजह से साल 2020 में ट्रेड फ्लो में बाधा आई। बुधवार को शेयर बाजार में उछाल दर्ज की जा रही है। आरबीआई के मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे जारी करते हुए ब्याज दरों को बिना बदलाव के बरकरार रखा है और इसके चलते शेयर बाजार में तुरंत ही बड़ा उछाल देखा गया है। सेंसेक्स 809.07 अंक यानी कि 1.40% की तेजी के बाद 58,442.72 पर ट्रेड करता नजर आया। ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह निर्देश दिया है कि वो सभी मोबाइल ग्राहकों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा SMS के जरिए तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएं। इस सुविधा के बाद मोबाइल के ग्राहक बस एक SMS करके अपना नंबर वहीं रखते हुए मोबाइल कंपनी को बदल सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। रेपो रेट 4% पर, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थिर रहा है। MPC ने अपना एकोमोडेटिव रुख बरकरार रखा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले साल के मार्च में RBI ने रेपो रेट में 0.75% और मई में 0.40% की कटौती की थी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, मेरठ, पटना, इंदौर में घरेलू LPG गैस सिलेंडर में रेट में अभी कोई इजाफा नहीं हुआ है। हालांकि 1 दिसंबर को कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर में 100 रुपए की वृद्धि करने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि नवंबर महीने की तुलना में कमर्शियल गैस सिलेंडर दिसंबर महीने में दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, मेरठ, पटना, इंदौर में 100 रुपए महंगा मिल रहा है। बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर सुपरस्टार शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी से प्रशंसकों को बहुत उम्मीदें हैं। कबीर सिंह के पश्चात शाहिद ने दर्शकों के दिल में 2 जबरदस्त इमेज बनाई है। उसे उनके प्रशंसक एक बार फिर से दोहराते हुए देखना चाहते हैं। शाहिद को ट्रेलर में देखकर ऐसा लग भी रहा है कि वो पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। वहीं जर्सी फिल्म का नया गाना आ गया है, जो फिल्म की कहानी को और आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। जापान के फुकुशिमा प्रांत में बुधवार को मध्यम श्रेणी के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार तड़के 2:29 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.0 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 37.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 141.2 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा जमीन की सतह से 20 किलोमीटर की गहराई पर रहा। बिहार के मौसम में अगले 24 घंटे में बदलाव के आसार है। इस दौरान पूर्वी हवा के प्रवाह में परिवर्तन हो सकता है। पूर्वी हवा की जगह प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवा का असर बढ़ेगा। प्रदेश के पूर्वी भाग में 1 या 2 स्थानों पर हल्के और मध्यम स्तर के कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। इससे प्रदेश में ठंड का असर बढ़ेगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार हैं। हवाई जहाज की उड़ान को लेकर नेताओं, जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों ने दम तो भरा, लेकिन भागलपुर वासियों के सपने को पंख नहीं लग पाया है। भागलपुर वासियों की उम्मीद को राज्य सरकार ने नए सिरे से खारिज कर दिया है। विधानसभा में विभागीय मंत्री ने साफ कह दिया है कि कोई भी विमानन कंपनी भागलपुर से हवाई उड़ान के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, जबकि हिमालय पुत्र एविएशन लिमिटेड ने भागलपुर से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर पिछले साल दिलचस्पी दिखाई थी। राज्य सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके तहत 1.5 करोड़ मीटर बिहार में लगने हैं। यह 23,150,00,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लक्ष्य से अलग है, जो कई जिलों के शहरी क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। इस लक्ष्य के तहत 3,150,00,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद बिजली कंपनी उत्तर बिहार के लिए 25 और दक्षिण बिहार के लिए 10,00,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए निविदा कर रही थी।
सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय पहुंच चुकी हैं। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर आज जैकलिन से पूछताछ होनी थी। ईडी द्वारा दायर की गई चार्जशीट में इस बात की तरफ साफ इशारा किया गया है कि सुकेश ने जैकलिन पर पानी की तरह पैसा बहाया है। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में लाखों कंपनियों को सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अनुपालन में कमी के कारण कई कंपनियों को बंद कर दिया गया है। सरकार ने राज्यसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान ये जानकारी दी है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी रूप से विकसित रडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन का प्रदर्शन करेगी। वायुसेना में रडार के शामिल हो जाने के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में गिना जाने लगा है जिनके पास एक फोर्स मल्टीप्लायर है जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध लंबी दूरी की मिसाइलें गाइडेड गोला बारूद का मुकाबला करने में सक्षम है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे जारी करते हुए दास ने कहा है कि नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रहेगा। आपको बता दें कि पिछले साल के मार्च में RBI ने रेपो रेट में 0.75% और मई में 0.40% की कटौती की थी। पटना के शमशान घाटों पर दाह संस्कार के लिए अब लोगों को लकड़ी विक्रेता नाई और पंडित की मनमानी का शिकार नहीं होना होगा। इसके लिए पटना नगर निगम द्वारा शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। मंगलवार से गुलबी घाट, बांस घाट और खाजूकला घाट पर इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इसका उद्घाटन मेयर सीता साहू द्वारा किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के लिए 18 दिसंबर को रोजा मंडी के सामने रेलवे मैदान पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए तैयारियां जोरों से चल रही है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को दोपहर हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचेंगे। उनके लिए सभा स्थल के पास मंगलवार को एक हेलीपैड बनकर तैयार हो गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, मंडलायुक्त आर रमेश, IG रमित शर्मा आदि अधिकारियों ने सभा स्थल पर तैयारियों को परखा। कर्मचारी पेंशन योजना पर लगी कैंपिंग को हटाने की लगातार मांग की जा रही है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। मौजूदा ढांचे में EPS योजना के तहत पेंशन के लिए प्रति महीने 15,000 रुपए की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। जब कोई कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बन जाता है तो वो भी EPS का सदस्य बन जाता है। कर्मचारी के मूल वेतन का 12% योगदान PF में जाता है। ये हिस्सा कर्मचारी के अलावा नियोक्ता के खाते में भी जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया साल खुशियों से भरा रहने वाला है। मोदी सरकार जनवरी 2022 में एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है, जिसके चलते कर्मचारियों की सैलरी में फिर से इजाफा होगा। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से 3% का इजाफा होगा। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल महंगाई भत्ते 31% पर है और 3% की बढ़त के साथ महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने बुधवार को कहा कि भारत की अब 4G से 5G की तरफ जल्दी ये बढ़ने वाला है। 5G को लॉन्च करना भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में अंबानी ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि लाखों भारतीयों को देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए 2G तक सीमित रखना उन्हें डिजिटल इंडिया के लाभों से वंचित रखना है। एक पायलट का मानना है कि उसने UFO के पूरे बेड़े को समुद्र के ऊपर उड़ते हुए देखा है। उसने अजीब रोशनी की एक श्रृंखला को चलते और घूमते हुए देखा। पायलट कुछ सेकंड के वीडियो फुटेज को कैप्चर करने में कामयाब रहा और क्लिप में आप रोशनी की 3 लाइन देख सकते हैं, कुछ में 4 डॉट्स और कुछ में 3। एक पॉइंट पर उच्चतम बिंदु फीका पड़ रहा है और इसे दूसरे निचले हिस्से से बदल दिया जाता है। फिर अंततः ये सभी दृश्य से गायब हो जाते हैं। सांसद अजय कुमार मंडल ने मंगलवार को दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रेल से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया है। सांसद ने सियालदह से दिल्ली तक चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन साहिबगंज, भागलपुर, जमालपुर होते हुए पटना या गया होकर नियमित किया जाने की मांग की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 115 पदों पर भर्तियां निकालकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। आवेदन की अंतिम तारीख 17 दिसंबर है, जो नजदीक आ चुकी है। ऐसे में अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द सेंट्रल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर दें। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन भर्ती परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। समझा जाता है कि केंद्र सरकार ने किसानों को मनाने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है और किसानों के खिलाफ चल रहे सभी मामलों को तत्काल निलंबित करने की पेशकश की है। सिंघू बॉर्डर पर साल भर से चल रहे आंदोलन पर फैसला करने के लिए हुई संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाई गई अहम बैठक शुरू होने के बाद यह घटनाक्रम सामने आई है। सिद्धू के बाद अब चन्नी ने सोमवार को कहा कि वो इस बारे में जल्द केंद्र को पत्र लिखेंगे। चन्नी ने कहा है कि वो केंद्र को पत्र लिखने के अलावा इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी समय मांगेंगे। उद्योग मंडल PSG चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक प्रमुख मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सप्ताह के अंदर 10 एकड़ क्षेत्र में व्यापार प्रदर्शनी के लिए एक सम्मेलन केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भारत की सबसे पावरफुल महिला बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार किया है। इस लिस्ट में सीतारमन को 37वां स्थान मिला है। बता दें कि फोर्ब्स ने निर्मला सीतारमन को लगातार तीसरी बार दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया है। सीमा सुरक्षा बल की सीमा बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी के लिखित प्रश्न का उत्तर गृह मंत्रालय ने दिया है। वरुण गांधी के प्रश्न के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा है कि कुछ राज्यों में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने का मकसद राष्ट्रहित की विरोधी ताकतों द्वारा हथियारों, नशीले पदार्थों, जाली नोटों की निगरानी, तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन और यूएवी जैसे उपकरणों के प्रयोग को लेकर ज्यादा समर्थ बनाता है। भारतीय महिला हॉकी टीम की एक सदस्य कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाई गई है। वहीं खिलाड़ी के कोविड पॉजिटिव आने के बाद आज होने वाले मैच को भी टाल दिया गया। बता दें कि बुधवार को भारत और कोरिया के बीच में मुकाबला होने वाला था और फिलहाल के लिए इसे टाल दिया गया है। हॉकी इंडिया ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को WHO नेटवर्क के 3 पत्रकार द्वारा दायर एक याचिका पर त्रिपुरा सरकार पुलिस को नोटिस जारी किया है। उनके खिलाफ राज्य में हालिया सांप्रदायिक हिंसा की उनकी खबरों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, डांसिंग स्टार खुशी, मोहम्मद अफरोज, ममिता कुमारी, नुनू कुमार, कुंदन कुमार, संजय कुमार राज, करिश्मा कुमारी, ठाकुर दीपक कुमार, अनवर हुसैन, अखिलेश कुमार, मनीष कुमार, दीनबंधु चौहान, कृष्णा दुबे, सिकंदर कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सवाल की, आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश के किस प्रधानमंत्री ने अब तक सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।